हेलो फ्रेंड, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के अवसर पर आज हम बनाने वाले हैं कुछ मीठा, जो कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं ये मखाना और काजू से बनी हुई ये सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली मिठाई, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी दोनों ही है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं मखाने मैंने मीडियम साइज के लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिए हुए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। यहाँ पर लिया हुआ है एक कटोरी काजू। तो इसको हम थोड़ा सा घी डाल के पहले फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में। इसको गर्म हो जाने के बाद इसमें हम काजू पहले फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मखाना घी ज़्यादा सोखते हैं, इसलिए पहले मैंने यहाँ पे काजू को फ्राई किया हुआ है। तो मुझे इसको ज़्यादा रेड नहीं करना है, हल्का हल्का ब्राउन करना है, नहीं तो हमारी मिठाई का कलर बदल जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए मखाने, इनको भी हम धीमी आँच पर क्रिस्पी करेंगे। जब तक ये हमारे मखाने क्रिस्पी हो जाएंगे, तब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस को मीडियम रखा हुआ है। तो यहाँ हमारे मखाने भी फ्राई हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हुए मखाने, इसका मुझे पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पाउडर बना के तैयार कर लिया है। इसका पाउडर मुझे बारीक बनाना है, दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ मैंने ली हुई एक प्लेट, इसमें इस पाउडर को हम निकाले लिए ले रहे हैं। फिर उसी जार में हमने काजू को भी पीस लिया है। तो यहाँ हमारा काजू का भी पाउडर बनके तैयार हो गया है। इनको हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ ये पाउडर मुझे दरदरा लग रहा था, तो इसको मैंने छन्नी की सहायता से छान लिया है। तो अब हमारा अच्छा सा पाउडर बनके तैयार हो गया है, जिस तरह मुझे चाहिए। इसके बाद मैंने लिया है एक कटोरी नारियल बुरादा, इसको भी हम अच्छे से मिक्स किए दे रहे हैं। यहाँ पर रख दिया मैंने कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया है 2 कप दूध। मैंने यहाँ फुल क्रीम दूध लिया हुआ था, तो दूध में हम हल्की हल्की उबाल आ जाने देंगे। पर दूध में उबाल आ गया। इसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर एक कटोरी चीनी। चीनी को हम अच्छे से इसमें घुल जाने देंगे। और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर। यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है, इसको हम ठंडा हो जाने देंगे। हल्का हल्का गुनगुना बचेगा, तब आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके बाद दूध हमारा ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का गुनगुना है। इसके बाद मैंने ये जो पाउडर बना के रखा हुआ था, इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें मिलाएंगे। एकदम से नहीं मिलाना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा मिलाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बेटर हमारा बन के तैयार हो गया है। अभी ठंडा होगा, तब थोड़ा करके अभी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक थाली में लगाया हुआ है घी, तो इसमें हम सारे बेटर को सीट कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ मैंने सेट कर दिया है थाली में, और इसको मैंने काजू काट के रखी हुई थी, उससे मैं इसको गार्निश किए दे रही हूँ।
ठंडा होने से पहले ही मुझे इसको गार्निश करना है। तो यहाँ मैंने बर्फी को गार्निश कर दिया है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में लगा सकते हैं, तो जल्दी सेट हो जाएगी। यहाँ हमारे 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ बर्फी हमारी सेट हो चुकी है अच्छे से। तो यहाँ मैं इसको चाकू से कट किए ले रही हूँ। आप लोग जिस आकार में चाहें उस आकार में इसको कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने चौकोर पीस कट किए हुए थे। आप इसको व्रत में, त्यौहार में, किसी भी समय इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाले और बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है। इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय।